नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, इन कंटिन्यूस टू द जो ऑफिशियल नोटिस जो है, मैं आपको बता दूँ, जो फेज़ 5 और री ओपनिंग है ना, JNU 6 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो गया। ऑल सेकेंड ईयर PhD रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं आर अलाउड टू एंटर इन टू द कैंपस। कैंपस में अलाउ किए जाते हैं। BTech थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर बोथ आर अलाउड इन द कैंपस। एंड BSc MSc इंटीग्रेटेड जो आयुर्वेद बायोलॉजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको भी अलाउ किया जाता है। फेज़ 6 से री ओपनिंग होगी आपकी 12 अक्टूबर से होगी, जैसे MA फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ सिस SSIE SCDR अलाउड टू एंटर कैंपस। फेज़ 7 री ओपनिंग ऑफ JNU 18 अक्टूबर से MA फाइनल ईयर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ SLL एंड CS आर अलाउड टू एंटर द कैंपस। ऑफ फेज़ 8 होगा जो आपका री ओपनिंग JNU 25 अक्टूबर को री ओपनिंग हो जाएगा। MA फाइनल ईयर स्टूडेंट्स SSS आर अलाउड टू एंटर द कैंपस। द क्लासेज एक्सेप्ट लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स के अलावा क्लासेस कंटिन्यू होंगी इन ऑनलाइन मोड में। ऑल टीचर्स मे कंटिन्यू टू यूज़ देयर ऑफिस फॉर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेज एंड कैरी आउट देयर रिसर्च एक्टिविटीज़। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स शुड बी फॉलोड ऑल द टाइम्स। तो जितने भी उनको फॉलो करना है, ऑल द पर्सन वायलेटिंग इन आउटसाइड इंस्ट्रक्शन, जिनको उल्लंघन है इससे ना वायलेटिंग करते हैं, तो शैल बी लाइबल टू प्रोसीड अगेंस्ट एज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51-60 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग उनके ऊपर एक एप्लीकेशन मतलब अगेंस्ट केस चलाया जाएगा। दिस इशूज़ विद द अप्रूवल ऑफ कंटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। JNU की लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं हाजिर रहूँगा।